दिस इज विनय पांडे हियर अगेन। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो भी सेंट्रल ऑर्बिट पे ही बेस्ड है। जो उसकी पहले वीडियो में हमने सेंट्रल ऑर्बिट पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया था, वो लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल था। कुछ उसी तरीके का न्यूमेरिकल आज मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, तो कंडीशन हमको वही याद रखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है, और जो जो कंडीशन उसने एप्स पर दी है उस कंडीशन को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग विद सेंट्रल एक्सेलरेशन। सेंट्रल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, पी। पी आपको कितना दिया है, म्यू आर की पावर 5 माइनस सी की पावर 4 आर, और आर और यू में क्या रिलेशन था, ये था 1/u। आर इक्वल टू क्या था, 1/u, तो यू की पावर 5 हो गया माइनस सी 4/u। ये पी की इक्वेशन, पी की वैल्यू हो गई जो 4 से लग रहा था। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इस एच स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू और पी 1/h स्क्वायर। पी की जगह पर वैल्यू रखनी तो यहाँ म्यू आ जाएगा, और 1/h स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर, यू की पावर 5 माइनस यू। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू म्यू 1/u की पावर 7 माइनस सी 4/u की पावर 3। क्या किया था इसके बाद हमने, इसको हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाइंग बाय 2du/dθ एंड इंटीग्रेटिंग, उसके बाद इंटीग्रेट किया था। तो आपको याद होगा ये पहला टर्म इसका जो एच स्क्वायर, ये क्या बन रहा था, du/dθ का स्क्वायर। यहाँ आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 कैंसिल हो जा रहा था। और ये किसका फॉर्मूला था, ये था वी स्क्वायर का फॉर्मूला। और राइट साइड में कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है, यू की पावर माइनस 7 का क्या हो जाएगा, माइनस 6 यू की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी 4/u की पावर 2, और यहाँ 2 आ जाएगा प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा टू। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1/3u की पावर 6 और सी 4/u स्क्वायर प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ए। अब आपको क्या करना है, एप्स की कंडीशन यूज कर लिए, जैसे मैंने पहले भी यूज करी थी, एट एप्स क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस सी है यानी कि आर की वैल्यू सी, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c। वेलोसिटी वी कितनी दी है, सी क्यू रूट 2μ/3 और एप्स पे du/dθ क्या था, 0। सारी वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर का मतलब हो गया सी की पावर 6 2μ/3, एच स्क्वायर du/dθ 0 और यू स्क्वायर का मतलब हो गया 1/c स्क्वायर। राइट साइड में ये माइनस 1/3, यू की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू सी है, यू की वैल्यू 1/c हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सी की पावर 6 ऊपर आ जाएगा और प्लस सी 4 और यू स्क्वायर करेंगे तो ये सी का स्क्वायर ऊपर आएगा प्लस ए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2c/8μ/3, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको और इसको सॉल्व करते हैं, 2μc/6/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू c की पावर 6/3 प्लस c की पावर 6
प्लस ए, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 म्यू सी की पावर 6/3, और ये हो जाएगा 2 म्यू सी की पावर 6/3 प्लस ए, और ए जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यही वैल्यूज निकालनी थी और ये वैल्यूज हम रख लेते हैं इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम वन इक्वेशन वन का यूज करते हैं तो एच स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 2 म्यू सी की पावर 8/3 डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस 3 यू की पावर 6 सी 4 अपॉन यू स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, और सिंप्लीफाई करके हमको पाथ निकालना है, और जो पाथ हमको यहाँ पर निकालना है वो पाथ कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इसको प्रूव करना है। तो ये जो लेफ्ट साइड में टर्म्स मिल रहे हैं हमको, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सी की पावर 8 अगर हम ये रखें, डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एक तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जा रहा है, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3 यू की पावर 6 सी 4 अपॉन यू स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन 3/2 का करते हैं, सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा -1/2 यू की पावर 6, और ये आ जाएगा 3/2 सी की पावर 4 प्लस यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर सी की पावर 8। इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, -1/2 यू की पावर 6 3/2 सी की पावर 4 यू स्क्वायर माइनस सी की पावर 8 यू स्क्वायर, यू की पावर 6 इसका एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u की पावर 6 -1/2 प्लस 3 सी की पावर 4 यू की पावर 4 ऊपर आएगा अपॉन 2, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस सी की पावर 8 और यू की पावर 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट हमको लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो इसको पहले थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं, क्या आ रहा है हमारे पास, सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर 1/u यू की पावर 6 -1/2, अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा सी की पावर 8 यू की पावर 8 -3/2 सी की पावर 4 यू की पावर 4। देखिए अब जो लास्ट के दोनों टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स को अगर हमको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर 1/u यू की पावर 6 -1/2 माइनस, ये हो जाएगा सी की पावर 4 यू की पावर 4 ए स्क्वायर हो गया -2ab, 2 इसको मैं कह सकता हूँ सी की पावर 4 यू की पावर 4 इंटू 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे वो ये मिल जाएगा, ए स्क्वायर -2ab, बी हमको इतना मिल रहा है तो बी का स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा और बी का स्क्वायर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर 1/u यू की पावर 6 -1/2, ये तीनों टर्म किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सी 4 यू 4 -3/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/16। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सी की पावर 8 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर 1/u की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 9 1/16 माइनस सी 4 यू 4 -3/4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेकर के हमको इसका सॉल्यूशन
मिल जाएगा। और ये जो 1/16 जो ये टर्म आ रहा है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको दोनों को सिंप्लीफाई करना है, डी यू वाले टर्म से एक साइड और बाकी टर्म्स डी थीटा वाले टर्म से एक साइड करना है। स्क्वायर रूट लेकर के ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा। राइट साइड में इसका स्क्वायर रूट यू क्यू बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस C4 U4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। डी यू वाले टर्म्स इधर लेके आते हैं, C4 U3 अपॉन 1/4 होल स्क्वायर माइनस C4 U4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और सारे टर्म्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ आ जाएगा डी थीटा, और यहाँ है डी यू। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 4 से। अब देखिए आप, अगर मैं C4 U4 माइनस 3/4 को जेड ले लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, C तो कांस्टेंट है, 4 U3, फिर U का क्या हो जाएगा, डी यू 3/4 का 0, और एक का बन जाएगा डी जेड। और ये देखिए आप, ये टर्म यहाँ आ भी रहा है, तो इसको अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन 1/4 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब जेड अपॉन 1/4 4 थीटा प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4 जेड, 4 जेड का मतलब कितना हो गया, C4 U4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस बी। अब आप देखिए फिर से वही कंडीशन, एट एप्स आर इक्वल टू सी है तो यू इक्वल टू 1/C हो गया, थीटा एप्स पे 0 लेना है हमको, तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 4 सी की पावर 4 से अगर ये कैंसिल हुआ तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस 3/4, ये 0 हो गया बी, थीटा की जगह पे 0 रख दिया हमने, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3/4 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, तो ये b की वैल्यू π/2 फिर से यहाँ रख लेते हैं, साइन इनवर्स 4 C4 U4 माइनस 3/4 4 थीटा प्लस π/2। साइन इनवर्स को उधर लेके जाते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में हमने इससे पहले लेक्चर में किया था, 4 C4 U4 माइनस 3/4 साइन π/2 प्लस 4 थीटा, और 4 C4 U4 माइनस 3/4 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 4 थीटा। अभी कॉस 4 थीटा को आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमको आंसर निकालना है इस फॉर्म में, तो कॉस 4 थीटा इस यू को भी हम चेंज कर लेते हैं और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 C4 U4 का मतलब क्या हो गया, 1/R4, और ये माइनस 3 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² θ माइनस 1, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्म। तो 4 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos² 2 थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का हमने इसको फॉर्मूला लगाया है 2 cos² θ माइनस 1 वाला फॉर्मूला, 4 C4 अपॉन R4। 3 को उधर एडिशन में लेके जाते हैं, 2 cos² 2 थीटा माइनस 1 और प्लस 3, 4 C4 ये R4 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 cos² 2 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 कॉमन आकर के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 C की पावर 4, और यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 cos² 2 थीटा। तो ये cos² 2 थीटा को फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो पहला टर्म आ रहा है, पहला टर्म क्या है, 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट में जो फॉर्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ उन फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए कि हम फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूले अगर आपको समझ में आएंगे तभी आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टू सी फोर आर फोर, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर टू थीटा था, मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया तो ये स्क्वायर छूट गया है। तो इसमें अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया, टू ए बी। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल जाएगा हमको, टू सी फोर इज इक्वल टू आर फोर। ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन फोर थीटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस फोर थीटा। तो टू कॉमन आकर के फिर से कैंसिल हो गया, सी फोर इज इक्वल टू आर फोर साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा हमको मिल गया। अब आप देखें जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है उस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में हमको इसका आंसर लेके आना है। सी फोर मैं इसको लिख सकता हूँ आर अंदर मल्टीप्लाई करके आर साइन थीटा की पावर फोर आर कॉस थीटा की पावर फोर। आपको याद होगा पोलर फॉर्म जो आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, आर कॉस थीटा एक्स होता था, आर साइन थीटा क्या होता था, वाई होता था। तो ये सी फोर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा का मतलब वाई की पावर फोर प्लस एक्स की पावर फोर, और यही हमको पाथ कार्टेशियन फॉर्म में प्रूफ भी करना था। तो आप ध्यान रखिए हमको जो मेन कंसेप्ट लगाना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो फोर्स हमको दिया है वो, और जो एप्स पे कंडीशन दी है उनका ध्यान से यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का प्रोसीजर है लगभग सेम है। अब इस तरीके के क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन आप कीजिए, आपको किसी क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट के किसी अदर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल इस वीडियो का जो लॉन्ग क्वेश्चन था ठीक ही न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा।